जम्मू के ओल्ड सिटी दारूगिरा मोहल्ले में इस समय हम मौजूद हैं और जिस तरह से बिजली विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जिनके बिजली के बिल ड्यूज हैं वो बिजली के बिल बकाया जो है वो जमा कराएं अथवा आपके कनेक्शन जो है वो काट दिए जाएंगे, और इसको देखते हुए आज दारूगिरा मोहल्ले में ओल्ड सिटी में आता है यहाँ पर जो बिजली डिपार्टमेंट की टीम है वो आई हुई है, और वो उनके पास एक आंकड़ा है, पूरा लिस्ट है जिन लोगों के बिजली के बिल ड्यूज हैं उनको जो है कहा जा रहा है कि आप बिजली के बिल इंस्टेंट बिल अगर आप जमा करा सकते हैं 1/4 आप करवा दीजिए, नहीं तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अब इसको लेकर कई लोग तो दे भी रहे हैं और कई लोग इस पर वक्त भी मांग रहे हैं, लेकिन फिलहाल बिजली विभाग जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह से PDD डिपार्टमेंट के जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ हैं उसके एक बहुत बड़ा एक अमाउंट है, तो सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द वो आंकड़ा जो है वो ड्यूज़ जो हैं वो कम किए जाएं, और जो स्मार्ट मीटर जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है पैरेलली श्रीनगर और जम्मू में, तो वो अभी 6,000 ही लगे हैं अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में अलग अलग जगह, तो वो आगे और लगेंगे और प्रॉब्ली हर जगह लगने हैं वो, लेकिन शुरुआत हो चुकी है लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन फिलहाल जिनके जो पिछले बिल्स हैं वो जब तक नहीं देते उस पर कार्रवाई विभाग करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर टीमें जो हैं वो अंदर गई हुई हैं और साफ तौर पर जिनके बिल्स इनके पेंडिंग हैं वो उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट के JEE भी हैं, रजत जी आप आज ये आप किया जा रहा है, इन लोगों को पहले बताया गया था कि आप ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, एक्चुअली होता क्या है कि हम थ्रू आउट द ईयर हम यहाँ पर बताते हैं कि इनको कि आप अपने बैलेंसेस जो हैं डिपॉजिट कर दीजिए, अदरवाइज इनकी पावर जो है डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। पिछले महीने भी हम लोग पर्सनली यहाँ पर आए थे, सब पूरे मोहल्ले को हमने बताया था कि यहाँ पर आइए, हमारे AW साहब आए थे, हमारे एक्शन साहब आए थे, सबने हमको बताया था, बट रिसेंटली जिन्होंने पैसे जमा एक साल में बिल्कुल भी नहीं कराए हमने सिर्फ उनकी पावर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और इन केस अगर वो पावर जुड़वाना चाहते हैं तो वो हमारे ऑफिस में आए, इजी इंस्टॉलमेंट्स देके वो पैसे वापस रिकनेक्ट भी करवा सकते हैं। जिसका 1,00,000 रुपया है वो 20-25,000 दे, कोई भी अमाउंट जो जस्टिफाइड अमाउंट हो वो करवा के वो अपना कलेक्शन रिस्टोर करवा सकता है। तो हम लोगों से यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर आइए, अपने जो भी आपके बैलेंसेज हैं वो क्लियर कीजिए, जितना भी आप अमाउंट दे सकते हैं हमारे ऑफिस में आइए, हमारे AW साहब वहाँ पर होंगे, हमारे एक्शन साहब वहाँ पर होंगे, कोई भी अमाउंट जो उनको लगता है ठीक है उनके लिए वो आए और वो डिपॉजिट करें और वो कर सकते हैं। अभी तक कनेक्शन आपने यहाँ पे 15-20 कनेक्शन काट दिए हैं और हमारा टारगेट और है 10-15 कनेक्शन और जिनका बैलेंस है हम वो भी यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे। लोगों ने आज पेमेंट की किसी तरीके से ना किसी तरीके? हाँ जी, जो कुछ लोग हमसे स्टैंप लगा के चले गए हैं, जैसे किसी ने 1,00,000 के ऊपर 25,000 की स्टैंप लगाई है, हमने उनको दिया है सिनारियो देखते हुए, हमने उनको अलो किया है और वो जैसे ही डिपॉजिट करेंगे हम वापस रिकनेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ा इसको ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने टाइम नहीं दिया, इस बात में क्या सकते हैं? मैं आपको वही बताना चाहूंगा, हम पूरा साल यहाँ पर लोगों को बोलते रहते हैं, और मैं पिछले महीने 25 तारीख को यहाँ आया था अपने सारे टीम के साथ, और हमने लोगों को बताया था, पूछ भी सकते हैं लोगों से, मैं आगे लेके चलूंगा आपको, वो पीछे बैठे हैं अंकल हमारे इस मोहल्ले के हैं, हमने उनको बताया था, उन्होंने एग्री किया था कि आप हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए, लेकिन हम एक महीने के बाद आए हैं आज, तो जिन्होंने पैसे बिल्कुल नहीं डिपॉजिट किए हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों ने 1-2 साल से पेमेंट ही नहीं की है, जो लोग हर बीच बीच में पेमेंट करते हैं 2-2 महीने का पेमेंट करते हैं उनके कनेक्शन नहीं काट रहे हैं। अब एज पर डायरेक्शन हमें भी डायरेक्शन है कि जिन्होंने बिल्कुल पैसे जमा नहीं किए अब उनके कनेक्शन काटिए और कोई भी अमाउंट जो जस्टिफाइड अमाउंट है वो जमा करके वापस उनका कनेक्शन रिकनेक्ट किया जाए। इसी एरिया में आपका करने का कॉल? जी नहीं, हम पूरी हमारे पास जितना भी एरिया है, मेरे पास तो मैं छोटा सा एक सेक्शन होल्डर हूँ, मेरे पास ये एडजॉइनिंग एरियाज है, हमारे AW साहब के पास ओल्ड सिटी है, पूरी ओल्ड सिटी, गुजर नगर, पुरानी मंडी, परेड, हर एरियाज में कर रहे हैं ऐसे डिस्कनेक्शन, आप चेक करा सकते हैं किसी से भी। एक पूरा इनके पास लिस्ट भी है अगर अलग अलग लोगों की, और डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम पहले बोल चुके हैं, ये एक लिस्ट हमने एक हैंड रिटन एक लिस्ट बनाई हुई है रिसेंटली, हमने सुबह हम प्रिपेयर करते हैं, हमारे जो भी AW साहब के ऑर्डर्स होते हैं उसके हिसाब से हम ये प्रिपेयर करते हैं लिस्ट, ये लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और हमने ये लिस्ट बनाई है जो कि ये मोर देन 40 नंबर्स हैं, लेकिन जिसमें से जो भी हमने टारगेट ये रखा है जिसका 60,000 या 70,000 से ऊपर है, जिसने साल में कोई भी पेमेंट नहीं की, हम उनको बोल के कि आप पेमेंट कीजिए, उन्हीं की ड्राइव चला रहे हैं, उन्हीं की पावर काट रहे हैं। बीच में विरोध करते हैं, जैसे विरोध कर रहे हैं तो क्या इन लोगों को? लोगों का विरोध सुने, यहाँ किराया लेना इन्होंने भरा ही नहीं, 1,80,000 रुपया किराया इनका, अगर भरा होता तो आज बिजली काटने की नौबत नहीं आती, ये लोग तो भरते नहीं है। विरोध करने से बिजली अगर कंज्यूमर ने खर्च किया तो पेमेंट तो देनी चाहिए, नहीं किराया तो भरना चाहिए, बिना किराए के कैसे चलेगा, पावर दे रहे हम तो बिल तो लेना है ना। आप लोगों के बिल मतलब ठीक है? हम क्लियर नहीं, तो ये कह रहे हैं कि हम आते रहते हैं बोलने के लिए, आते हैं बोलने के लिए, बताते हैं टाइम ऐसा? देखो ये टाइम उन्होंने पहले से दिया था, क्लियर कर दो बस, क्लियर कर दो। जिन्होंने बिल क्लियर किए हैं उनके घर के कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटी गई है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे विरोध भी कर रहे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा, ये कह रहे हैं अत्याचार नहीं और गरीबों के साथ अत्याचार, ऊपर चार कर रहे हैं,
ये थोड़ी किसी को छोड़ रहे हैं, पीछे से आते हैं। पिछले बार पहले महल में बिजली जो गरीब लोग हैं उनकी काट दी है, जिनसे पैसे लेते हैं उनकी नहीं काटी है उन्होंने, ये थोड़ी बात होती है। बिजली बिल ड्यू है? हाँ जी, मेरा भी होगा। इन्हें फ्लैट रेट बहुत डाल दिए ना, ये बता रहे 1,80,000 के फ्लैट। नहीं नहीं, 1,00,000 कुछ है, लेकिन इन्हें फ्लैट रेट भी इतना बड़ा डाल दिया। ये कह रहे हैं कि हम एक महीना पहले भी आए थे बोलने सबको बिल जमा करा। इन्होंने एक महीना नहीं, थोड़े दिन पहले आए थे, फिर इनसे हमने टाइम मांगा था कि थोड़ा सा करो रिक्वेस्ट है आपके आगे, आप अफसर लोग आप तो थोड़ी हमारा मोहल्ले का साथ दो। LG साहब बोल रहे हैं मैं जमा कराने, आपने कौन से कहा नहीं कराने, वो तो कह रहे हैं ना। अब क्या अगला एक्शन क्या रहेगा? अगला एक्शन वो मोहल्ले इकट्ठे करते हैं, देखते हैं अभी क्या करते हैं। मैं मोहल्ले की राय लेता हूँ ना, मोहल्ले में कर ले क्या करते हैं। तो ये कुछ लोगों के बिल भी हैं, वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मनमानी ना करें। ये दारूगिरा मोहल्ला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जिन्होंने का नहीं दिया है उनका काट भी रहे हैं, तो ये चीज़ को लेकर साफ तौर पर तो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। और लेकिन डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि हमने इनको बताया था कि आप बिल जमा कराएं, जो आज क्योंकि लगभग 13-14 कनेक्शन ये दारूगुला मोहल्ला में आज बिजली विभाग ने काटे हैं। परेड डिवीजन के अंदर ही आते हैं और यहाँ पर JEE के साथ उनकी टीम आई हुई है। और कुछ लोग हालांकि विरोध भी कर रहे हैं, इस गली में है, लोगों के घरों के अंदर मीटर लगे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पे उनको दिक्कत परेशानी भी हो रही है। कुछ और स्थानीय, आप इधर ही रहते हो सर, लोकल हो आप लोकल नहीं हो, आप लोकल हो, लेकिन बिजली का जो बिल, क्योंकि साफ तौर पर ये लगातार ये इस तरह की अपील की जाती है कि बिजली के बिल जो हैं वो जमा कराएं, बकाया जमा कराएं, 1/4 जो है अगर आप वो बिल पे कर देते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, जो कनेक्शन है वो नहीं काटा जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको तो इन्होंने काट दिए, और उसके बाद अब उन लोगों को जब दोबारा बिजली की सप्लाई चाहिए तो विभाग में जाएं वो और बिल के ऊपर वो स्टैंप लगवा लें कि वो कितना पे कर रहे हैं, देन उनका कनेक्शन दोबारा से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई करते हुए दारूगिरा मोहल्ले में फिलहाल बिजली विभाग एक्शन में है और उन डिफॉल्टर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने बिजली के बिल, बकाया बिल जो है मैंने जमा नहीं कराए हैं और लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, कुछ का पहले से ही पेंडिंग है, लेकिन फिलहाल उसका विरोध जारी है और लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं और उस बीच बिजली विभाग की यहाँ पर ड्राइव चल भी रही है। कुछ लोकल लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब आप यही लोकल लोकल रहते हैं, आप शॉप दुकानें खुल के नहीं बोलते, लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं सामने आके। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से बिजली को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है और जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत हो गई है, जम्मू में कुछ जगह लगे भी हैं 6,000 के तकरीबन इस तरह का ही आंकड़ा है और पैरेलली श्रीनगर में भी इतना का ही है और आगे ये धीरे धीरे करके हर एरिया में लगने हैं। लेकिन इस तरह से जो तारों का जंजाल बना हुआ है इनको कम करना है, ये भी प्रायोरिटी है, प्रॉपर बिजली 24 घंटे मिले ये भी बिजली विभाग की प्रायोरिटी है। और जिस तरह से कई सारे बड़े जो हमारे यहाँ पर बिजली उत्पादन के जो डैम्स हैं उनसे प्रॉपर बिजली जम्मू कश्मीर को मिले, इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है और लगातार जो बिजली की स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, वो भी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आगे गर्मियाँ भी हैं और गर्मियों में अभी मार्च का महीना ही चल रहा है और तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बिजली की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा अब सामने आ रही है, लोगों को देनी पड़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो अब विभाग ये कह रहा है कि प्रॉपरली बिजली जमा कराइए, बिल जमा कराइए अथवा एक्शन के लिए तैयार हो जाइए, और अलग अलग डिविजन्स के तहत हर किसी को ये कहा गया कि आप जमा कराइए। ये देखिए हाथों में इनके तारे हैं जो काटे हैं इन्होंने, कनेक्शन काटे हैं और फिलहाल आगे बढ़ते हुए ये तमाम लोग यहाँ से दारूगिरा मोहल्ले में भी आज ये PDD की ड्राइव चलाते हुए, और अभी भी कई लोगों को अगर कोई यहाँ पर इंस्टेंट बिल पे कर सकता है ऑनलाइन तो उसको भी किया जा रहा है, उनको भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप बिल जमा करा दीजिए और आपका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। फिलहाल पिछले ड्यूज को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए फिलहाल बिजली महकमा जो है वो एक्शन में है और दारूगिरा मोहल्ले में फिलहाल PDD का जो ड्राइव है वो चल रही है। अपील हम यही करेंगे, बिजली के बिल अगर किसी के ज़्यादा है तो वो थोड़ा थोड़ा करके जब उसको सबमिट कराएं ताकि इस तरह की नौबत आपके इलाके आपके घर में ना लाए कि एकदम से आके इनको कनेक्शन काटना पड़ जाए। ऑप्शन दे रहे हैं कि 1/4 जमा करवा दीजिए, क्योंकि बिजली के बिल जो है मोस्टली इन्होंने कवर करने ही हैं और जिस तरह से आगे स्मार्ट मीटर लगने हैं तो उसके तहत बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा, कल भी हमने आपको एक प्रोटेस्ट दिखाया था जहाँ पे नई बस्ती में
लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ सड़क बंद कर दी थी मेन, और वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था और ये कहा था लोगों के ढाई ढाई लाख तीन तीन लाख बिल है और विडो लेडीज हैं, उन्होंने कोई कमाई का जरिया नहीं है, दो दस हजार पांच हजार में उनके बच्चे काम करते हैं तो कैसे बिल देंगे। वैसे इश्यूज भी सामने लोग रख रहे हैं, लेकिन जिनके एक लाख या फिर एक लाख से कम या फिर एक डेढ़ लाख तक के बिल हैं या पिछले एक दो साल के हैं तो उनसे वसूली जो है वो विभाग अब कर रहा है, और नहीं देते तो फिर कनेक्शन काटे जाने का भी वो प्रोसेस में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, दारूगिरा मोहल्ला, जम्मू।